हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव यू जिंदगी विद सीमा, द वन स्टॉप चैनल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना कल रात का एक्सपीरियंस। जब नया साल शुरू हुआ 12 बजे का, तो हम कहाँ थे, हमने कैसे सेलिब्रेट किया। मज़ा आएगा आपको भी नया एक्सपीरियंस। आइए देखते हैं। दिन में हम गए थे हरदोई कुछ काम से, तो वहाँ पे एक पूरा अच्छा दिन स्पेंड करने के बाद 8:30 बजे के करीब हमने अपना वापसी स्टार्ट करी। तो 2.5 घंटे का रास्ता है, तो ये था कि करीब 11 बजे तक हम वापस घर पहुँच जाएंगे। और हरदोई शहर के अंदर इतना, जैसे शहरों में यूजुअली होता भी है ना कि फॉग वगैरह नज़र नहीं आता है, लेकिन बस शहर के जैसे ही बाहर निकले तो हमारा नाइटमेयर शुरू हुआ। इतना फॉग था कि सड़क के दोनों तरफ आगे पीछे कुछ भी नहीं दिख रहा था। शुरुआत में तो बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुम थी कि क्या वीडियो, क्या कैमरा, कुछ भी शूट नहीं किया। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा चलो एक्सपीरियंस ये एक शेयर करूँगी आपके साथ। तो फिर ये आप देखो इसमें कितना फॉग है। अब तक 10:45 बज चुका था और हम सिर्फ हरदोई से 40 किलोमीटर आ पाए थे। तो जो रास्ता हमें 40 मिनट्स में कम्प्लीट करना था, उसमें हम कम से कम 2.25 घंटे लग चुके थे सिर्फ ये फॉग की वजह से और रास्ता ना दिखने की वजह से। जैसे पहाड़ों पे बादल होते हैं ना, उड़ते दिखते हैं कुछ, बिल्कुल उसी तरह से ये कोहरा भी उड़ता हुआ हमारी तरफ चला आ रहा था। और ना कोई कार, ना कोई बंदा, कोई भी नहीं था इतनी ठंड में, इतने कोहरे में कौन ही निकलेगा हम जैसों के अलावा। बस उम्मीद एक ये लग रही थी कि जब GT रोड पे पहुंच जाएंगे, तो GT रोड पे ट्रक्स काफ़ी चलती रहती हैं, तो वहाँ पे हमें ट्रैफिक मिलेगा। तो 11:30 बजे के करीब जब हम GT रोड पे पहुँचे, तो वहाँ पे ट्रकों का ट्रैफिक, क्या इतना कंजेशन था, बिल्कुल ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, कस के बिल्कुल मूव नहीं हो सकते थे एक इंच भी इधर से उधर, और बिल्कुल अंधेरा चारों तरफ। तो यहीं सड़क में बीच में ट्रैफिक जैम में कोहरे के बीच में हमारा नया साल शुरू हुआ। हैप्पी न्यू ईयर। एक घंटा और वहीं ट्रैफिक जैम में फंसे रहने के बाद फिर धीरे धीरे ट्रैफिक मूव होना शुरू हुआ, सामने से आना शुरू हुआ ट्रैफिक, और फिर हमारा भी मूव हुआ। तो फिर फाइनली करीब 2 बजे के करीब हम लोग अपने घर पहुँचे। तो अंत भला तो सब भला, तो फाइनली घर पहुँच के फिर हम लोगों ने यहाँ पे केक कटिंग किया, थके हारे दोनों बंदे, लेकिन केक नए साल का तो काटना है तो हमने काटा। तो हैप्पी न्यू ईयर।